तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेटर रेसलिंग में। दोस्तों आज हम लोग बताएंगे आज मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन और रिया रिपली के बीच क्या हुआ। दोस्तों शुरुआत में रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस होता है, उसके बाद रैंडी ऑर्टन ब्लड लाइन के खिलाफ कुछ बकते हैं। दोस्तों ब्लड लाइन को अगला टारगेट बनाने वाले ही थे रैंडी ऑर्टन, और वो कहते हैं कि अगली बार मैं ब्लड लाइन से भिड़ जाऊंगा और उन्हें हक्का बक्का कर दूंगा। दोस्तों उतने में ही रिया रिपली द जजमेंट डे की मेंबर एंट्रेंस होता है। दोस्तों मामी का एंट्रेंस देखते ही रैंडी ऑर्टन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मामी और रैंडी ऑर्टन की वायरल वीडियोस चल रही थी। दोस्तों उतने में ही मामी आ जाती है और रैंडी ऑर्टन को कहती है कि तुमने एक नया दुश्मन चुन लिया है, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन और रिया रिपली की टीम का कोई लेना देना नहीं था और ब्लड लाइन से रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी थी। लेकिन रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि डैड इज़ बैक। उतने में ही रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं कह सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उतने में ही रिया रिपली के चंगू मंगू रैंडी ऑर्टन पर हमला कर देते हैं पीछे से। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि रिया रिपली के चंगू मंगू रैंडी ऑर्टन को बुरा पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों रैंडी ऑर्टन रिटेलिएट करते हैं और एक चंगू मंगू को एक आर की ओर जड़ देते हैं, और इसके बाद रिया रिपली का पापी डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से भाग जाता है और रैंडी ऑर्टन रिया रिपली और डोमिनिक मिस्टीरियो को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते हैं। दोस्तों उतने में ही मेन इवेंट रॉ में रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो को रैंडी ऑर्टन उछाल उछाल कर मारते हैं और अपना एक स्लैम लगाते हैं दोस्तों, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो हार नहीं मानता और रैंडी ऑर्टन के दोस्त पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों रैंडी ऑर्टन एक साइड स्लैम लगा देते हैं टेबल पर, जिससे डोमिनिक मिस्टीरियो हक्का बक्का हो जाता है। फिर उसके बाद रिंग में ले जाकर रैंडी ऑर्टन अपना DDT लगाकर उसके बाद दोस्तों आपको मालूम ही है एक RKO जड़कर इस मैच को जीत जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रैंडी ऑर्टन और रिया रिपली की दुश्मनी और ज़्यादा चलने वाली है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सी यू लेटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।